एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट राबेल फातिमा जैदी विद येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द चिट चैट शो। आज है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा मलिक, वेलकम टू द शो। आज के मौसम के बारे में क्या ख्याल है आपका राबेल? निमरा, आई थिंक द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट एंड आई रियली रियली विश कि मैं ऐसा सब कुछ कह पाती हमारे कंट्री के इकोनॉमिकल और पोलिटिकल सिचुएशन के बारे में, जो कि अभी काफ़ी नासाज है। तो आई थिंक हम सब बस उम्मीद कर सकते हैं कि द थिंग्स एंड यू नो आर इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल ग्राउंड गेट बेटर एंड स्टेबल वेरी सून, राइट? सो फॉर द गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। सो लेट्स हेड ओवर टू इंट्रोड्यूसिंग आवर गेस्ट। Of course, I mean, हमारा आज का guest panel, like always, is again, it's very inspiring for our, you know, youth specifically. एक relatability quotient है जो आप लोगों को ज़रूर महसूस होगा. So I think without any further delay, I would like to introduce our very first guest. He is somebody who is not just an ex-BNU student, but has also achieved a lot at a very young age. He has followed his heart, and you know, if you guys also intend to make it big in what you intend to, so I think you should definitely follow this guy. Please welcome Mr. Shehroz Mansoor, who is also an associate producer. Assalamu alaikum, Shehroz. Wa alaikum assalam. Kaise hain aap? Main theek thaak, aap bataye? Main theek hoon, alhamdulillah. Let's head over to our second guest, who is not only a video creator but also a vlogger and owns his own brand. Assalamu alaikum, Imad. Assalam. Kaise hain aap? Alhamdulillah. Thank you so much for being on our show. Again, another inspiration. Or कोई भी एस्पायरिंग सोशल वर्कर्स या जो लोग अपने सराउंडिंग्स को भी बेहतर बनाना चाहते हैं, वो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. नॉट जस्ट अ स्टूडेंट बट अ मास्टर ऑफ मेनी क्राफ्ट्स, ही इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर एंड एन एमपीए कैंडिडेट. प्लीज वेलकम ऑन द शो मिस्टर राफे घुमन. अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. Our fourth guest, who is a music producer and a current student in BNU, Sameer. Assalamu alaikum, Sameer. Kaise hain aap? Allah ka shukr, aap bataye. Thank you so much for making time for us. Let's start questioning. Yes, of course. I mean, main na aap logo se aaj ka jo hamara show hai na, I really, before we proceed, I want to let you guys know कि हम आप लोगों को थोड़ा एक पर्सनल लेंस से देखना चाहेंगे. यही करते हैं हम चिट चैट शो पे. तो फॉर एवरीबडी इन योर प्रोफेशंस, इन योर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, यू गाइस हैव अचीव्ड अ लॉट. सो आई वुड लाइक यू, यू नो, टू शो योरसेल्फ एज द पीपल यू आर एंड हाउ इट हेल्प यू शेप जो कि आज आप लोग हैं और जहाँ पे आप लोग हैं. तो मेरा पहला सवाल राफे आपके लिए है, आप सोशल वर्क करते हैं, तो आप हमें प्लीज़ बताएंगे आप किस तरह का सोशल वर्क करते हैं एंड व्हाट आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन? आपकी नेचुरल ड्राइव क्या है? National? आपकी drive क्या? Like what drives you to, you know, actually the thing is that के we are actually belong to a political family already. Okay. And so I've already seen these things in my family, like के how people हम अपने मतलब like from my figure to my forefathers and like how they have worked for other people. And like अगर हम अपने मतलब like अब देखते हैं कि मतलब अब ग्राउंड वर्क पे आप देखें कि जिस तरह से जो महंगाई गई या जिस तरह से जो हिसाब चल रहा है आजकल के गरीब बंदा जो है किसी भी तरह गुजारा नहीं कर सकता. और इसके अलावा अगर उनको कोई और भी इशू होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व देम बाय देमसेल्फ. सो दैट्स वेयर वी कम इन एंड लाइक वी विल ट्राई टू हेल्प देम इन देयर डिफरेंट इश्यूज लाइक दैट दे कम अक्रॉस इन देयर लाइफ. और भी बड़े मसले होते हैं, मतलब लाइक इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, किसी की शादी है या किसी का कुछ और मसला है या कुछ छोटे मोटे मतलब और भी मतलब मामला होते हैं कि कोई अगर किसी का केस चल रहा है किसी का, दैट्स उनको मतलब लाइक अब मुश्किल पेश आ रही है उनके सॉल्व होने में या किसी भी किस्म का उनको हम मदद कर सकते हैं या उनकी अच्छी खुशी में शामिल हो सकते हैं, गमी में शामिल हो सकते हैं. वी आर देयर फॉर देम, वी आर एट दैट ग्राउंड लेवल एंड वी आर ट्राइंग टू कंकर के पीपल हैव दैट रिलैक्सेशन के दे कैन कम टू समवन एंड जस्ट टॉक अबाउट इट और इवन जस्ट हैव सम प्लेस टू talk about their problems or something. I think that's lovely. मतलब एक proactive approach है आपकी अपनी society की तरफ. I think that is what we all need to do. तो मेरा next question होगा इमाद आपके लिए. आप एक वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं एंड आई हैव सीन यू क्रिएटिंग सम अमेजिंग कंटेंट, सो आई रियली वांट टू नो व्हाट इज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट. माय इंस्पिरेशन इज मोस्टली अबाउट कि मैं इंटरनेट पे जो चीज़ें रैंडमली देखता हूँ, ऑब्वियसली देयर आर लाइक न्यू ट्रेंड्स और सारा कुछ ट्रेंडिंग में आ रहा होता है, बट द पॉइंट इज कि आप उस ट्रेंड को कैसे परसीव करके एक अपने स्टाइल में उसको दिखाते हो. तो देयर लाइक अ मिलियन वीडियो क्रिएटर्स, ठीक है, और लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस फील्ड के अंदर, बट वॉट आई थिंक स्टैंड मी आउट इज के आई हैव डिवेलप्ड माई ओन स्टाइल ऑफ वीडियोज, लाइक हाउ सूदिंग, या
इट्स मोर ऑफ लाइक अ सिनेमैटिक लुक होगी एक्सट्रीमली, और फिर बाकी उसमें बाकी वीडियोज़ भी आती हैं, लाइक ब्लॉगिंग इज़ लाइक अ रॉ टाइप चीज़, बट इसी तरह इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे कंटेंट आता है। शिरोज, आपका क्या रोल है प्रोडक्शन हाउस में, या आप किस तरह से समझते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से आप उसको निभाते हैं? अच्छा, जो मेरा रोल है ना, वो एक चीज़ उसको बहुत वाइटल है, क्योंकि मुझे हर बंदे को इकट्ठा करना है, मुझे डायरेक्टर को लेकर ऑन बोर्ड करना, मुझे जो क्लाइंट है, एजेंसीज हैं, मुझे उनके साथ ऑन बोर्ड होना है, उनका विजन समझ के मुझे आगे डायरेक्टर को समझाना, और फिर उसका विजन समझ के मुझे आगे जो बाकी की टीम है उनको समझाना है। तो ये बहुत, जैसे कहते हैं ना, जिम्मेदारी वाला काम होता है, कि ये वो उस तरीके का काम है कि हर, क्योंकि एक चीज़ इधर से उधर हो जाती है ना, तो वो फिर सारी जो चीज़ है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम है कि हर चीज़ को लेके चलना। तो आपको पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है ताकि सब कुछ स्मूथ फ्लो में हो जाए। हाँ, इस तरीके से। तो मतलब कहना गलत नहीं होगा कि एक प्रोड्यूसर जो है, ही इज लाइक अ पेरेंट ऑन सेट, राइट? लाइक अ बैड बॉय, हर चीज संभल रही होती है, प्रोडक्शन, राइट? हाँ जी, ऐसे। ओके, ग्रेट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इमाद, फिर से आपके लिए, इन दिस इंडस्ट्री जो कि अब बहुत सैचुरेट हो गई है, राइट? एवरीबडी इज एन इन्फ्लुएंसर, आपके पास फोन है, आपके पास कैमरा है, तो यू आर अ वीडियो क्रिएटर, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट मुझे बताइएगा, हाउ डिड यू एंटर दिस इंडस्ट्री? वॉज इट एक्सीडेंटल या it was meant to be? What happened? It was like, actually the journey kind of started like 7 to 8 years ago. I'm 20 okay. right now. Wow. Like the first time I uploaded a video on YouTube, I was 13-ish. तो इट्स लाइक बस वही आहिस्ता आहिस्ता, इट्स लाइक जैसे ही चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले हम हॉरिजॉन्टल वीडियोज़ का ज़्यादा सीन होता था, नाउ इट्स द वर्टिकल वंस, रील्स पे आ गया कॉन्टेंट, कॉन्टेंट का टाइम शॉर्ट हो गया, जो लोग 10 मिनट में बताते थे, दे हैव टू टेल इन 10 सेकंड्स, तो उसको ग्रास्प करते करते तो हम बस कंटेंट अपना साथ साथ चेंज करते रहते हैं, एंड द फैक्ट ऑब्वियसली व्हेन यू आर एट अ प्लेटफॉर्म, यू हैव पीपल अराउंड यू, यू हैव फॉलोअर्स, तो इट्स जस्ट के मुझे, मेरी एक अपनी अच्छी चीज़ ये लगती है दैट अ लॉट ऑफ पीपल से इन पाकिस्तान के आप इंटरनेट पर अपलोड करने से पैसे नहीं कमा सकते, तो दैट इज़ सम हाउ ट्रू, but you just need to see that you have a ton of people around you jinko aap koi bhi product sell kar sakte hain ya apni koi service sell kar sakte hain, and that's exactly what I'm doing. Wonderful. So Shiroz, aap kya challenges face karte hain in the production house, aur aap kaise un challenges ko handle karte hain? Yaar, sabse pehla jo sabse bada challenge hota hai na, wo paise hote hain. हमें ना पैसे नहीं मिलते क्लाइंट और एजेंसी एंड से कि हमें अपना शूट स्टार्ट करना हो, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो ये होता है. फिर अगला चैलेंज होता है लोगों को मनाना, यार कर दो यार, मतलब पैसे कम है, कुछ इस तरीके से है, क्योंकि जिस तरह टाइम बढ़ता जा रहा है ना, और जिस तरह अभी आप लोगों ने बात की कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं बहुत अच्छी, तो ये हमारी प्रोडक्शंस के ऊपर भी ना बहुत वो करती है. अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर बजट दिया है डॉलर है 280 रुपए का, मैंने बजट उस हिसाब से दिया है, जिस दिन मैं शूट करने जा रहा हूँ उस दिन डॉलर 300 का हो गया, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हमें ना उसको उस पैसों में रख के हमने अपना काम करना और ऑन टाइम काम करना, तो ये मसले हो जाते हैं. अभी रिसेंट हमने शूट किया तो उस पर हमें क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, और हमें कहा कि आपने 2 दिन बाद हमें डिलीवरी करके देनी, तो वो एक चैलेंजिंग था कि अब हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मना कर दिया तो वो किसी और के पास चले जाते हैं, रेपुटेशन हमारी ख़राब हो जाती है, तो वो बड़ी चीज़ों को ना हमें तरीके से लेके चलना पड़ता है, तो इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं. फिर और भी आ जाते हैं कि ऑन सेट लोगों के मसले हो जाते हैं कि यार हमें, बहुत एक माइनर सा इशू है, मैं आपको बताऊँ, बहुत एक माइनर सा इशू था, हमारा एक शूट था, मक्खियाँ आ गई सेट पे, ठीक है, मक्खियाँ क्या ही चीज़ है, ठीक है, तो मक्खियाँ आ गई और हम शूट कर रहे थे बॉर्डर के पास बेदियाँ वाली साइड पे, तो ना हमारा शूट रुक गया, क्यों? हमारे पास मक्खियों को मारने के लिए स्प्रे नहीं था. तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस भी आ जाते हैं. फिर अक्सर लोग जो टैलेंट आया होता है उनके इशूज आ जाते हैं कि अगर हम मिडल ऑफ नोवेयर है ना, तो उस मिडल ऑफ नोवेयर में वो हमें कहेंगे कि हमने KFC खाना है, हम कहाँ से KFC लेकर आएंगे. वन मोर थिंग टू दिस टॉक इज दिस के
आई पर्सनली फील के जैसे हम एक काइंड ऑफ सेम इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, तो मैं ये फ़र्क महसूस करता हूँ दैट आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज़ अब्रॉड, जब वहाँ पे जाके काम करने का सेटअप होता है, एक निज़ाम होता है सारा, वो सारा कुछ स्ट्रीमलाइंड होता है एंड लाइक वहाँ पे लोग अपने काम को ओन अप करते हैं. अब लाइक एग्जैक्टली लाइक ही सेड कि लाइक अभी मॉडल आ गई है तो उसको बस बीच में शूट के KFC खाना है, तो उसको KFC खाने में 1.5 घंटा तो सेट पे ज़ाया हो गया. तो इट्स जस्ट कि यहाँ पे लोगों को टाइम की भी कदर नहीं है उस तरह से. And these are some of the challenges which we can face. Would you guys agree with the fact that Pakistan mein, sorry, I don't want to badmouth anything, but I think hume jo cheez jaisi hai waisi kehni chahiye taki hum usko sudhar sake. So would you guys agree to the fact that professionalism ki thodi si kami hai, specifically in this industry a little bit? Hamare na lahoriyon mein masla hai. Hum lahori jo hai na, hum na ek set kaum hai. Main aapko batau, agar maine call time rakha hai na subah 9 baje ka, to लाहौरी जो बंदा है ना, जो लाहौर से आ रहा है, वो सुबह 11 बजे आएगा, 2 घंटे देखने आप वहाँ पे ज़ाया हो गए. जो कराची मैंने जाके ना काम किया, कराची का मतलब 9 बजे है, तो मतलब वहाँ पे 9 बजे काम शुरू हो जाना. हमारे लाहौरियों में मसला है ज़्यादातर कि यार हम ना सेठ हैं. अच्छा समीर, मेरा अगला सवाल होगा आपसे. आप म्यूज़िक कंपोजर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो थोड़ा शुरू से शुरू करेंगे. मुझे बताइएगा, हैव यू फेस्ड एनी काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज घर से या बाहर से एज पीपल एक्सेप्टिंग म्यूज़िक एज अ फुल टाइम प्रोफेशन इफ़ यू आर इंटेंडिंग टू टेक इट फॉरवर्ड लाइक दैट? मुझे मेरे घर वालों की तरफ से कोई इतना खास मसला हुआ नहीं, लेकिन ये कि द टर्म म्यूज़िक के आप सिंगर बनना चाहते हो, ये चीज़ अब काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है. लोगों को ये नहीं पता कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर होता क्या है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर का काम क्या होता है. तो आई गेस इस चीज़ को टाइम लगेगा थोड़ा कि लोगों को पता चल जाए, अवेयरनेस हो जाए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस का काफ़ी सीन ऑन है. यस, अब लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कवर्स जो आप इंस्टाग्राम पे लगाते हो, उसकी बात नहीं कर रहा, वैसे ही जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं जो घर से ही अपना काम सारा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छी बात है जिसकी वजह से जरा ये वापस आ रही चीज़. तो मतलब आप अग्री करेंगे अगर मैं कहूँ कि एक शिफ्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस की तरफ? हाँ, मतलब लोग ओपन इस चीज़ को लेके हो पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक करियर है. मतलब ऐसे नहीं है कि आप जैसे आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस की होगी, इस चीज़ को आप कन्विंस कर लेते हो, पर एंड तक आपके पेरेंट्स वगैरह या आपके जो करीबी होते हैं वो ये नहीं होते कि यार ये करियर है. वो कहते हैं ठीक है, पार्ट टाइम चीज़ थी, चल पड़ी. लोग ना इस चीज़ को अभी साइड पे आए नहीं ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर इशू है ना, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो जिस तरह समीर की इमाद की और जो मेरी फील्ड है ना, ये लोग इसको एक अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं. True. अगर मैं उनको जाके कहूँ ना यार मैं ना प्रोडक्शंस करता हूँ, ठीक है, पर काम क्या करते हो, कोई महीने के ये है? क्योंकि हमारा जो काम है ना वो हवाई रोजी है. हमें जाना है, हमें काम लेकर आना है, हमें पैसे मिलने हैं. जिसको आप दिहाड़ी कहते हैं ना हम लोग, वो उस तरीके से उसको हम अंग्रेजी में फ्रीलांस कहते फ्रीलांसिंग हैं. वो हमारे लिए वो फ्रीलांसिंग. तो लोगों में फ्रीलांसिंग का ना कॉन्सेप्ट अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, हालांकि वो काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है. आई मीन फ्रीलांसिंग, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, फ्रीलांसिंग मेरी नजर में ना आपके 9 to 5 से बेहतर है. अ लॉट बेटर गाइस, ठीक है. हम ना बाउंड नहीं है 9 to 5 में. मैंने करने की कोशिश की पर मैं ना बाउंड हो गया था कि 9 to 5 है, मैं उन्हीं के साथ हूँ, उन्हीं का करूँगा. मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता. Exactly. तो वो कहते हैं ना पाकिस्तान में आर्टिस्ट मरते हैं, वो इस तरीके से मरते हैं कि आपको अपनी, देखो मैं तो म्यूज़िक से सिर्फ या आर्ट से क्रिएटिविटी नहीं आती, आपकी क्रिएटिविटी ना मुख्तलिफ चीज़ों में आती. ये बैठा इसका काम क्रिएटिविटी है, लोगों की मदद करना एक मेरी नज़र में क्रिएटिविटी एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स आई थिंक काफ़ी हैवी होता जा रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, तो इसी के लिए हम एक सेगमेंट अपना पहला जो है उसको एंड करते हैं. लेट्स हेड ऑन टू अ ब्रेक एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम राइट हियर. तो इसी के साथ चलेंगे हम अगले सेगमेंट की तरफ. वी विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू द शो. आपने सुना कि शेरोज अपने जर्नी के बारे में बता रहे थे, द हार्डशिप्स दे फेस. तो लेट्स कंटिन्यू इट विद आस्किंग राफे अबाउट इट, कि राफे बीइंग अ सोशल वर्कर आपने क्या हार्डशिप्स फेस किए, लाइक आपको क्या लगता है? बीइंग अ सोशल वर्कर मुझे लगता है कि एज एन डेली हमारी डिफरेंट किस्म की आपको ना मतलब एक डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें यह है कि हर बंदे का मसले अलग है और उसकी फिर उस हिसाब से आपने उनको ट्रीटमेंट करनी है.
और हर बंदे को आप एक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. मतलब लाइक अब आपके पास एक बंदा आया, उसका मसला एक तरीके से सॉल्व हो सकता है, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो मैनी थिंग्स कनेक्टेड विद दैट कि वो उसको फिर आपको अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. बड़े लोगों के ऐसे भी मामला होते हैं जो घरेलू मामला होते हैं उनके, एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट. बट देन देयर आर अदर पीपल दैट वी हैव ऑल्सो इन आवर कम्युनिटी. हमारी मतलब गैदरिंग ऐसी है कि वहाँ जहाँ जो भी लोग बैठते हैं वो वहाँ बड़े हैं. अब उनका जो फैसला है या जो कुछ भी वो आपको सलाह देते हैं, लोग दे एक्ट ऑन इट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बेटर फॉर देम के वो जब उन पर एक्ट करते हैं तो उनके लिए अच्छा ही होता है. इस तरह करके बस लोग जो हैं एक दूसरे की सलाह से वहाँ काफ़ी चलते हैं. यहाँ कुछ सोशल इश्यूज को कंसिडर करते हैं कि नहीं ये हमारी फैमिली की रेपुटेशन की बात है एंड दिस एंड दैट, दे ट्राई टू कीप इट्स अ लॉट इन दैट. अगर इफ एज कम्पेयर टू अगर देखा जाए इट हैज़ चेंज अ लॉट इन इधर लाहौर में जो सीन है, लेकिन जो वहाँ है वो अभी भी आई थिंक सो इट्स ग्रोइंग. पीपल आर एक्नॉलेजिंग डिफरेंट थिंग्स, सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन टाइम लगेगा अभी भी. अगर अभी आप कहते हैं कि देर इज दिस डिफरेंस ऑफ सेक्सिज्म ऑल्सो ओवर देयर, मतलब दूसरे अभी और भी बड़े मसले हैं, मतलब लाइक आपको डिफरेंस दिखता है चीज़ों में एंड यू कैन सी इट एंड ऑल्सो अ पर्सन लाइक मी जो दोनों चीज़ें देखता है देन यू सी इट एज ऑल्सो क्रुएलिटी लगती है आपको कि अगर एक जगह आप एक इंसान को थोड़ी नासाफी होती है फिर बंदे को होता है कि यार वाई इज़ इट हैपनिंग इन दिस स्पेसिफिक रीजन ओनली एंड क्यों नहीं चेंज जल्दी आ रहा. फिर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि लोगों को अवेयरनेस हो आहिस्ता आहिस्ता, बट लेकिन एकदम से आप उसको कर देते हैं तो लोग ज़रा भागते हैं उससे. ज़रा आप आहिस्ता आहिस्ता स्पार्क दें उनको, ज़रा थोड़ा बताएं कि ऐसा हो रहा है, पीपल आर मूविंग ऑन, थोड़ा ऐसी इन्वायरमेंट हो गई है, अब सीख रहे हैं लोग आहिस्ता आहिस्ता, उनमें थोड़ी एक्सेप्टेंस आ गई है. पहले एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं थी. सॉरी, पहले क्या होता था लोग जो थे ना, मतलब प्रॉब्लम देखी है ना तो उसकी इन डेप्थ नहीं जाना चाहते थे, रूट की तरफ नहीं जाते थे. अब क्योंकि अब देखें जितना राफे है पढ़ रहा है, पढ़ कर बाहर आ रहा है, अब थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं. लोग ना पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स वाली साइड पे नहीं, ये हर फील्ड वाली साइड पे है. तो कहीं पे कोई फंसता है ना वो उसकी डायरेक्ट रूट प्रॉब्लम पे चला जाता है. ठीक है, तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव सा चेंज आ रहा है हमारे इस माशरे में कि लोग डायरेक्ट रूट प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं कि यार देखना चाह रहे हैं कि मसला शुरू कहाँ से हो रहा है. अगर जहाँ से मसला शुरू हो रहा है ना आपने उसको वहाँ से पकड़ लिया ना मेरी नज़र में, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है कोई चीज़. सही, बिल्कुल ठीक है. मेरा अगला क्वेश्चन होगा समीर आपसे. म्यूज़िक की बात कर रहे थे हम, तो मुझे बताइएगा हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू. आई मीन हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू नो व्हाट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन यू रियलाइज के आई कैन कंपोज म्यूज़िक एंड आई कैन प्रोड्यूस इट. तो वो कब लगा एंड हु इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग म्यूज़िक. मैं जब मेरे ख्याल से 3-4 क्लास में था तो मेरे घर कंप्यूटर है पहली दफ़ा, तो उस पर मुझे इधर उधर से पता चला कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे आप म्यूज़िक बना सकते हो. और मैंने उसी तरह ही कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड किया, बस इस तरह ही देख देख के. फिर इंटरनेट आया यूट्यूब, तो वहाँ से मैंने ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे वहाँ से. मतलब मैंने अभी तक म्यूज़िक प्रोड्यूस करना या म्यूज़िक में कुछ भी मैंने इस तरह किसी टीचर वगैरह ऐसे किसी सीखा नहीं, ऑनलाइन और बस टाइम दे दे के. Self-taught. हाँ, मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को भी टाइम दो अगर नीयत के साथ तो आप उस चीज़ सीख ही लेते हो. और मेरी इंस्पिरेशन म्यूज़िक प्रोडक्शन में लेके मुझे जोजी का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है. ओके. इसके अलावा बाकी फिनियस और इस तरह के पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं जैसे अब्दुल्ला सिद्दीकी. Okay. तो इस तरह के जो जिस तरह शेरोज़ ने बात की कि अब जो लोग इस फील्ड में भी आ रहे हैं वो भी इस चीज़ को स्टडी करके आ रहे हैं. तो मुझे ये भी चीज़ काफ़ी ज़रूरी लगती है कि आप किसी भी अगर फील्ड में जा रहे हैं, किसी भी कोई भी काम करने जा रहे हैं, आपको उसका नॉलेज हो तो फिर आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं. आपको पता चल जाता है कि ठीक है मैंने अपना रास्ता किस तरह बनाना है. अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ की कि किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम दें तो आप उसमें कुछ भी हासिल कर सकते हैं. आई एग्री विद दैट, बट मेरा थोड़ा सा शायद इख्तलाफ है, नहीं तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी. आई फील लाइक म्यूजिशियंस या जितने लोगों से मैंने बात की है, आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द वायरिंग इन योर ब्रेन एज वेल. आई मीन नॉट एवरीबडी कॉम्प्रिहेंड्स म्यूजिक लाइक अ म्यूजिक कंपोजर डज, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं जो हम म्यूजिशियंस की कम्युनिटी में एक बात होती है वो टेक्निकल हो जाएगी थोड़ी, लेकिन ये होता है कि जो टेम्पो है ना, जो बीट के सेंस होती है कि बीट चल कैसे रही है, वो सेंस होना बहुत ज़रूरी होती है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूजिशियन हो, अब जो एक डांसर होता है उसको भी बीट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एडिटर है उसको भी होनी चाहिए, उसको बीट पर बिठाना है, तो वो जिसने इसने किया आपको
आप टाइम लगाते हो ना एक चीज़ में, अब वो म्यूजिक में टाइम लगा रहा है तो उसको पता है यार मैंने ना इस टाइम पे गिटार का ट्यून देनी है, मैंने पियानो बजाना है, मैंने बेस रखनी है, तो आपको हर चीज़ को टाइम लगाओगे ना, विद टाइम आप चीज़ें सीखते हो, तो टाइम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो जिसने उसने बताया उसने 7 साल लगाए हैं, ठीक है, कल को कोई भी बच्चा उठ के कहता है यार मैं नहीं हो पा रहा, मैं इमाद जैसा नहीं बन पा रहा, यार इमाद की हिस्ट्री तो देखो आप, ठीक है, जो डिसहार्ट होते हैं ना हम किसी की जर्नी नहीं देखते, हम उसका एंड रिजल्ट देख रहे होते हैं, यार मैं अभी उठा मुझे अभी उठते साथ ही अगले दिन मुझे टॉप पे पहुंच, यार ऐसे तो नहीं होता आपकी लाइफ फैक्ट के। आपको जब भी कोई काम करना है, हम ये पाकिस्तानियों में स्पेसिफिकली मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास भी कोई बंदा आएगा एंड ही वुड आस्क मी फॉर एडवाइस कि अच्छा मैं ज़िंदगी में क्या करूं, तो उसका समहाउ मोटिव यही होगा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ कि भाई 4-5 दिन में मेरी ज़िंदगी बदल जाए, ओवरनाइट सक्सेस। तो इट्स लिटरली स्टूपिड अगर आप ये चीज़ करें। मैं इस चीज़ की मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर नया बच्चा, एक जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, आप अगर उसको पहले दिन ही कहेंगे कि मुझे चल के दिखाओ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई फील के इन एवरी सिंगल थिंग, इन एवरी सिंगल फील्ड, द बेबी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मैंने आज कोई कारोबार शुरू कर दिया, मेरे पास कोई 50 लाख रुपया था, मैंने वो इकट्ठा इन्वेस्ट कर दिया और मैं उसके बाद वो हार्डशिप्स फेस करता हूँ और वो मैंने 50 लाख भी डुबा दिया, बट सम हाउ अगर मैं वही 50 लाख में से 50,000 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ, तो आई डू हैव द मनी ऑन माई बैक एंड कि मेरी जो हार्डशिप्स हैं, जो मेरे चैलेंजेस मुझे फेस हुए हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे, एंड देन आई कैन प्ले विद द बिगर मनी विद अ बेटर माइंड ऑफ स्टेट। अच्छा, दिस कॉन्वर्सेशन इज गिविंग मी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉम्प्ट और मैं आप चारों को इन्वॉल्व करना चाहूँगी इसके अंदर। मुझे बताइएगा कि वी वर टॉकिंग अबाउट के स्पेंडिंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम टू अचीव सक्सेस इन एनी थिंग, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं आजकल, लेट्स नॉट नेम देम फॉर नाउ, overnight success ke, for instance video banai, doesn't make sense but people like it, wo viral ho gaye, to what comments each of you would have to you know give on that, how is that fair to the people who work very hard? Main meri baat sun, isme na main aapko kuch examples dunga do logo, Danani ka hum saron ko pata hai party ho rahi hai, Sunsilk ki wo ban gayi thi yaar, Danani ko uski video viral hone se pehle aap logo ne uske follower dekhe the, wo badi der se lagi hui thi, ठीक है, उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 20-25 हज़ार उससे पहले फॉलोअर्स थे, ठीक है, तो उसकी एक बेस बनी हुई थी, वो बड़ी देर से लगी हुई थी, उसकी एक चीज एकदम वायरल हो गई, उसकी जब वो बेस बनी हुई थी ना, तो वो सिर्फ उसको एक पुश मिला था और वो एक टॉप पर आ गई। उस तरीके से हमने चाय वाला देखा था, वो बड़ा प्यारा सा था, ब्लू आंखों वाला सारा कुछ था, कहाँ है उसकी बेस, कुछ नहीं थी उसके पास, कोई पीछे उसका काम नहीं था कि उसको लोग क्यों उठाते, धनानीर का काम था तो लोगों ने उसको उठाया। अब ये जिस तरह इमाद 7 साल से काम कर रहा है, ठीक है, आपको एक वो पुश मिलनी होती है, किसी भी फील्ड में समीर को मिल सकती है, राफे को मिल सकती है, मुझे मिल सकती है, वो पुश भी तब काम आएगी जब मेरे पास पीछे बैकअप पे कोई चीज़ दिखाने को होगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, आप मेरे से 2 काम करवाओगे उसके बाद कहोगे यार ये तो फारिग है, मैं इसके ऊपर, कोई ब्रांड मेरे ऊपर टाइम इन्वेस्ट क्यों करेगा जब मैं उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं दूंगा। तो आपके पास काम होना जरूरी है, जो हम देखते हैं ना यार ओवरनाइट सक्सेस, वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, किसी को मिल भी रही है ना तो वो लेके नहीं आगे चल सकता। और मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जैसे लोग ओवरनाइट सक्सेस, अभी आप बात कर रहे हैं कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाती है लोगों की, तो द मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाए, ठीक है, अल्लाह ने इज्जत देनी है, अल्लाह जिसको इज्जत देता है, इट्स जस्ट कि आपके पास जब वो सक्सेस आई है, आपके पास वो चीज आई है, आप उसको हैंडल कैसे करते हैं और आप उसको रिलेटेबल कैसे रखते हैं। द चीज मैंने अभी आपको बोली कि पहले जब ब्लॉगिंग चलती थी, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वीडियो आता था, लेकिन अब 10 सेकंड से ऊपर का वीडियो कोई नहीं देखना चाहता, तो आई ग्रास्प दैट, अब मैं YouTube पे वीडियोस नहीं अपलोड करता, आई मोरली फोकस ऑन Instagram, TikTok, ताकि क्योंकि वो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है और हमारे आजकल की जनरेशन ऐसी है कि हमारा जो फोकस पीरियड है वो ही बहुत छोटे स्पैन, अटेंशन स्पैन छोटे हो गए, या तो ये भी एक जो कंटेंट क्रिएटर है या एक अलग इंडिविजुअल है, उसको इसके अंदर ग्रास्प होना या इसके अंदर बैठने के लिए, वो फिर एक पूरी जर्नी होती है जो वो साथ लेके चलता है कि अच्छा चीज़ों को अब किस तरह से संभालता है। True. अच्छा राफे, मेरा अगला सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा कि अगर आप कोई एक एडवाइस देना चाहें टू यंगर पीपल, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से, वुड यू सजेस्ट
that people try and make their mark in politics as to where the country is right now. Is it a safe choice? अगर अभी आप ये कहते हैं कि as in political या आप कोई भी remark शुरू करते हैं, इसमें आपका जैसे इन्होंने हमें relate to that करूँगा इनसे, जैसे इन्होंने कहा कि अगर even if you're given a chance, but you're not built for that or you're not meant for that, you won't be able to succeed in that. अगर if you have that in you, that you really have that passion to help people, तो तब आई थिंक सो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ परस्यू करनी चाहती है. ऐसे भी काफ़ी लोग हैं हमारे मतलब लाइक सोसाइटी में जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गुड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी काम करते हैं. मतलब लाइक आई नो मैनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स दैट हैव आई एम वर्किंग इन द सोसाइटी दैट डजेंट नीड दैट अथॉरिटी इन देयर लाइफ एंड देर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ पीपल एंड मतलब दे इंस्पायर अदर पीपल लाइक अस. लाइक वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ लाइक पीपल जस्ट थिंक फॉर द फेम वगैरह एंड एवरीथिंग पावर वट एवर द थिंक दे ऑलरेडी हैव सो बट लेकिन दे वॉन्ट टू हेल्प द अदर दे वॉन्ट अदर पीपल टू बी एट दैट इक्वलेंस टू अदर पीपल सो दे हैव दिस सोसाइटी विच कैन इमर्ज लाइक इन अ बेटर वे. बस मुझे ये लग या दैट साइड आई विल से कि अगर इफ़ यू हैव दैट इन यू के यू वॉन्ट टू रियली हेल्प पीपल. बट आई थिंक सो ऑल्सो दैट द पॉइंट दैट यू आर सेइंग इफ स्टूडेंट शुड डू इट और नॉट, आई थिंक सो द ये मुझे पॉइंट बड़ा एक अच्छा लगता है कि करना चाहिए. और आई एम रियली मतलब लाइक डिसअपॉइंटेड समटाइम्स कि पीपल जस्ट आर गोइंग फॉर लाइक द अब ना लोगों को चीज़ें इकट्ठे करने का ज़्यादा शौक हो गया हुआ है. अब ज़्यादा लोग ये नहीं कुछ इस तरह का मतलब लाइक अगर आप बैठे ना मतलब लाइक कुछ अपने से ऐसे बड़े लोगों से आपके पेरेंट्स हो गए हो तो उनमें वो चीज़ नहीं देखेंगे, आप मटीरियलिस्टिक नहीं हो इतने. द मोस्टली व्हाट दे थिंक यू इवन इफ़ यू हैव लाइक आपके घर में मुलाजिम होंगे यू विल सी दैट योर पेरेंट्स विल ट्राई टू हेल्प देम आउट अगर वो थोड़ा सा कर सकें जैसे भी कर सकें. उनमें अभी वो ना वो सेक ऑफ एक थोड़ा सा ना चीज़ है विच आई रियली लाइक और विच मुझे जो अच्छी लगती है कि दैट एवरीथिंग ओवर हियर इज़ नॉट गोना बी विद यू नो मैटर व्हाट, यहीं रह जाएगा सब. तो ये जो एक मेंटल स्टेट है ना कि यहीं रह जाएगा सब लोगों के जहन से निकल चुकी हुई. और ये अगर दैट यू हैव दैट इन योर माइंड के यार नथिंग इज़ गोना स्टे फॉर एवर, ठीक है, सो इफ़ आई कैन हेल्प समवन राइट नाउ आई शुड हेल्प. और अगर दैट ये थिंग अगर लोगों में मुझे यंग जनरेशन में आपको नज़र आती है, अफसोस होता है मुझे इस बात का, लेकिन आई डू प्रमोट इट एंड आई थिंक सो इट्स इनसाइड यू ह्यूमनली ना. अगर आपके अंदर है ये चीज़ के दैट यू वॉन्ट टू हेल्प अदर तो इट जस्ट नीड्स टू बी री ऑर्गेनाइज और दोबारा से रीशाइन करें उसको एक चीज़ को दोबारा से. आई थिंक सो इट कैन बी फाइंड नो लगर और ज़रूर करेगा हर बंदा करेगा एक दूसरे की और ऐसी सोसाइटी आगे जा सकती है. लवली लवली समीर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो यूथ आपकी फील्ड में आना चाहती है बीइंग इन अ म्यूजिक प्रोड्यूसर और समथिंग? मैंने अभी तक ये चीज़ देखी है, मैं खुद अभी कहीं पहुँचा नहीं हूँ इतना, लेकिन ये है कि अगर आपको अपना सिग्नेचर मिल गया है ना, जैसे अभी माद ने भी बात की कि उसको इतनी देर के बाद पता चल गया कि यार मेरा स्टाइल क्या है, अगर आपको आपका सिग्नेचर मिल गया तो आप दूसरों को, अगर आपने कोई नया आर्टिस्ट डिस्कवर किया आप उस अब ये ना कर लो कि आपने आपको उसकी तरह बनाना शुरू कर दो, फिर आपने कोई नया आर्टिस्ट देख लिया आप उसको तरह बनाना शुरू कर दो, आपने आपको अपना एक सिग्नेचर मिल गया आप उसको लेके चलो, विद टाइम आपकी ऑडियंस बन जाएगी. मतलब हर अगर फिल्म में भी बात की जाए, वीडियो में भी, म्यूजिक में भी बात की जाए, तो आपकी ऑडियंस बन जाती है. मतलब हर या आपको अपनी तरह के लोग मिल जाते हैं जो आपका काम देखते हैं, जो आपका म्यूजिक सुनते हैं, आपको बस टाइम देना पड़ता है. ऑल्सो बट फॉर लाइक न्यू कॉन्टेंट क्रिएटर्स या कुछ, मैं उनको हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि आपको कोई, आप किसी कॉन्टेंट क्रिएटर को समझते हो कि इसका काम बहुत अच्छा है, मैं उसको ये एडवाइस करता हूँ कि आप 100% इसको छापो. क्योंकि आपको नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. मैंने ना किताब में पढ़ा कि यार आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हो ना, आप उसको कॉपी करने के चक्कर में ना आप अपना नया स्टाइल निकाल लेते हो. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पता है किसकी? इरफान जुनेजो की. इरफान जुनेजो कहता होता था मेरा केसी नेस्टाइट को बहुत कॉपी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत इंस्पायर. यार उसने उसको कॉपी करने की कोशिश की, वो एक नया स्टाइल ले आया, वो स्टाइल पाकिस्तान में नहीं था. फिर बड़े ज्यादा जो बच्चे आए उन्होंने इरफान जुनेजो को कॉपी करने की कोशिश की, उन्होंने अपना स्टाइल निकाल दिया. तो आपको वो, आपको अगर चोरी करनी है ना तो एक आर्टिस्ट की तरह चोरी करनी है, आपको इंस्पायर होना है उससे. गिव अ हिंट ऑफ योर स्टाइल इन इट. हां, आपको अपना स्टाइल देना है. ऑल्सो लोग इधर बहुत ज्यादा समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस जैसे अगर ये हैं और मुझे इनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है और मैं इनका स्टाइल कॉपी करता हूं कुछ, तो वो लोग मुझे इन सम वर्ड सेंस डीमोटिवेट करेंगे, व्हिच इज नॉट गुड इन दिस वे. के देखो मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसके जैसा काम करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली जो टाइम उसने स्पेंड किया, समहाउ मैं भी तो वो इनपुट दे रहा हूँ उसके अंदर.
तो इट्स जस्ट कि हाँ उसने 4 साल पहले वो चीज़ कर ली, मैंने आज शुरू की है. तो इट्स जस्ट कि इट विल टेक टाइम और बस ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी कोई काम करता है तो उसको बस सपोर्ट करना चाहिए. हमारे ना लोगों में मसला है. मैं आपको सही बात करूँ, लोगों में मसला है. मैंने काम शुरू किया ना तो मुझे बड़े ज्यादा लोगों ने कहा यार क्या काम कर रहे हो, तुम्हें ये इस साइड पे नहीं होना चाहिए, तुम इसकी दूसरी साइड पे जाओ. यार मैं क्यों जाऊँ, मेरे में एक पावर है, कन्विंसिंग पावर है, मैं पब्लिक स्पीकिंग कर लेता हूँ, लोगों को मना लेता हूँ, तो मैं साइड पे रहूँगा. इसको बड़े लोगों ने बोलो ना, इस बात को समीर के साथ होता होगा, ये रफे के साथ होता होगा, कि हमारे जो लोग हैं ना वो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं. बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद दैट. थोड़ा सा जो है फिर से जब जब हैवी होगा तब तक हम एक ब्रेक लेंगे. तो लेट्स फिनिश अप विद दिस सेगमेंट एंड गो ऑन टू आवर ब्रेक. And we will continue with some more exciting and fun questions right after the break. See you after the break. Welcome back from the break. Let's head over to the third segment of Rapid Fire. Achha, ab jo Rapid Fire hai, genuinely very rapidly questions answer karne hain aur main chahti hu ki aap charo alert pe rahe, theek hai, because you never know kis tak kaun sa question shoot hone wala hai. Okay, so 3, 2, 1, the very first question, Facebook or Instagram? Facebook. Okay, morning person or night owl? Night owl. Okay, okay, so you're in a lift with Mahira Khan, Mehvish Riaz, Saba Qamar. Mahira Khan. Okay. Mahira Khan. There is one person only you can take out with Mahira you. Mahira Khan. ठीक है. Mahira Khan. अच्छा. Okay. Okay. He already knows that. Mahira Khan. वो तो मोहब्बत है. आंखें बंद करके. नहीं, she has a really nice personality though. Lovely. Okay. Okay. So I'll ask the next questions. So Sameer, अपनी song list में से top 3 songs. Die for you. Dems of us. और Ranjish Singh. Die for you, Gargis. Best rumor you have heard about yourself. बेस्ट ह्यूमर हर्ड बार में सर. अच्छा, मैं इतना ज़्यादा वैसे लोगों से इंटरेक्शन नहीं है मेरा जो ह्यूमर्स फैलाते हो, तो इतना कुछ याद नहीं. बट यस, देर वॉज वन टाइम लाइक दिस के सबको अपैरेंटली लगता था कि पता नहीं मैं कितना बड़ा कोई बिलियनेयर टाइप कुछ नहीं. तो इट्स नॉट ऑब्वियसली ट्रू, बट या थोड़े बहुत तो हैं वैसे, बट इतने नहीं. लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट मूवी आई थिंक सो द गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी. Guardian of the Galaxy. Okay, if you were a musical instrument, what would you be? Violin. Violin, why? Because I am emotional. Okay. Oh, wow. Deep. आप क्या हो? मैं होस्ट हूँ. अच्छा, Netflix का अपना अकाउंट है या दोस्त का माना? ये क्यों बताओ? बताना तो पड़ेगा. यार देखिए, मेरी बात सुने, बचपन में हमें सिखाया था शेयरिंग इज केयरिंग, इसी में जवाब है. ओके, आपकी प्लेलिस्ट के टॉप 3 सॉन्ग्स नाउ? नाउ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत ज्यादा टेक्नो आजकल मैं सुन रहा हूं बहुत ज्यादा. ओके ओके, गुड. सो गुस्से में आप क्या करते हो? गुस्से में क्या करता हूं? बहुत कुछ कर लेता हूं, कभी लड़ पड़ता हूं, कभी चला जाता हूं. व्हाट्स द एक्सट्रीम? What's the extreme? चीजें तोड़ के मारी है कभी? चले जाते होंगे यहाँ. क्या मतलब, लाइक गुस्से में यार इसका गुस्सा ना इतना नाराज, और इसका गुस्सा जो है ना नाराज वाला बहुत सख्ती वाला है. मतलब लाइक अगर आप इसको कॉल कर रहे हैं अब, इसने आपको ब्लॉक कर देना. इसने आपको जगह से, दैट्स नॉट गोना जस्ट वर्क. के अब अगर बात नहीं आएगा, मैं हुई नहीं. ओके, इस टाइम आपके पास कौन सी सबसे कीमती चीज है? दिल. मैकबुक. मैकबुक. ओके, सो लिफ्ट में 3 लोग मौजूद होंगे, एक को मुस्कुराकर देखना है, एक के साथ सेल्फी लेनी है, और एक को कहना है आप लिफ्ट से जा सकते हैं. सो इमरान खान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज. अच्छा, आई वुड नॉट माइंड टेकिंग अ पिक्चर विद मरियम. Okay. Yeah, we would. She's beautiful. दस्ती बाहर भेज दें और खान साहब को गले लगा देंगे.
आप एक लिफ्ट में हैं और आपके साथ है माहिरा खान, महवेश हयात और सबक। यार एक माहिरा खान है, दो को पसंद है, अलग अलग दफा लिफ्ट में है ना, कौन से जिसकी किस्मत रहेगा लिफ्ट में अब उसका साथ। वंडरफुल, इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड जो है वो खत्म होता है और आई थिंक अब एक एक्साइटिंग सेगमेंट का टाइम होता जा रहा है एंड लाइक वी ऑलवेज प्रॉमिस समथिंग टू ऐड अ लिटिल स्पाइस एंड अ लिटिल यू नो फन क्वेश्चन टू द शो। समीर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। क्या डाय फॉर यू गाना? डाय फॉर यू भी मुझे कोई नहीं, जो भी आपके लिए डाय फॉर यू एकॉस्टिक भाई, ये आर्टिस्ट का पता चलेगा ना। अब देखो इंस्पिरेशन लेनी है लेकिन अपने स्टाइल में। नहीं मैंने अभी जो वो ये बैच ग्रेजुएट हो रहा था 2019 वाला, तो उसकी फेयरवेल पे कल मैंने परफॉर्म किया था, मैं वही गा लिया हूँ। of the show, but I think hum as a nation ek us point pe hain ki apne spirits ko thoda sa high karne ki bahut zarurat hai. So I would like to request everybody in the studio to please join hands with Sameer once again. Yes, and isse pehle ki hum is pe close kare because hamare emotions bilkul shift hone wale hain, to I would like to thank each one of you, Shehroz, Rafe, Sameer, Imad, for your wonderful insights into your respective industries and for giving so much to the audience to learn from. And we wish you the best of luck with your future endeavors. And let's please go on with, what should we do? We should do Jeeve Pakistan? Yeah, sure, of course. Why not? Can we and do you that? You guys have to join. Okay? Sure. Yes, everybody has to join in, okay? Jeeve. Jeeve Pakistan, 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 Jeeve Pakistan, Jeeve Pakistan, Pakistan, Jeeve Pakistan. Kya baat? नाज़रीन खुश रहिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने घर वालों से प्यार करें और अगले शो में आपसे मुलाकात होगी फिर एक अमेजिंग गेस्ट पैनल के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, घरों में रहें और खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।